हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल 3D VFX इंस्ट्रक्टर। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं अनरैपिंग। करने का क्या प्रोसीजर है यहाँ पे, हम क्या करने वाले हैं, इसमें डालेंगे अनरैप UBW। ठीक है, मेक श्योर कि आप जब कोई भी मॉडल बनाते हो तो उसको ना मतलब स्मूथ करो, हाई इटरेशन वैल्यू के साथ नहीं करना। जैसे इटरेशन मैक्सिमम ले सकते हैं 3-4, उसमें क्या होता है, एक अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। सो मैंने लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था, मैंने इटरेशन वैल्यू रखी है 1। ओके, बढ़ा देंगे अनरैपिंग करेंगे जब। ठीक है, अभी तो मैंने 1 ही रखी है। अब मैं इसको अनरैप करूँगा, तो आ जाओ आप अनरैप UBW। ओके, यहाँ पे ओपन यू एडिटर को ओपन कर लो, यहाँ पे ओपन यू एडिटर को। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसके फेस पकड़ के ये वाला पोर्शन अलग निकालूंगा, सेपरेट करूँगा, नीचे वाला अलग सेपरेट करूँगा। ठीक है, सो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं टॉप के जो फेसेस है ना उनको सेपरेट कर लूँगा। अब कैसे करते हैं उसको सेपरेट, क्या प्रोसीजर होता है, सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये वाले जो फेस हैं, ये वाले सेलेक्ट कर लो आप इनको। क्या है इसका, यहाँ पे आओ आप, सिलेक्ट करो उसको, ऑल्ट के साथ डी सिलेक्ट कर लो। एक काम करो आप, सबको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेंडर मैपिंग मारो जेड एक्सिस से, खत्म हो गया सेट इतना। अब मैं क्या करूँगा, टॉप के फेसेस को सेपरेट करने वाला हूँ। ऑल्ट के साथ डी सिलेक्ट करते हैं ना हम, डीसलेट करो उसको, ये पूरा डीसलेट हो जाता है यार। रिंग सिलेक्शन करते हैं, टॉप व्यू में आ जाओ आप, सिलेक्ट द फेसेस, एक काम करो, मुझे ये वाला फेस नीचे का और ये वाला फेस अलग करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, सो मैं क्या करने वाला हूँ, वी हैव अ ऑप्शन सीम बनाने का। सो आप आ जाओ, सीम बनाएंगे हम इसके, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, देख लेना, ये रहा सेलेक्ट कर लिया नीचे का एक, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को, मैंने सेलेक्ट किया दोनों को, अब यहाँ से कर दो कन्वर्ट टू सीम्स, सिलेक्शन कन्वर्ट टू सीम, सीम में कन्वर्ट हो गया मैं। अब ये सीम में कन्वर्ट हो गया, तो मैं इसको क्या करूँगा, फेस में जाके ये वाला जो है, अब मैं इसको अलग कर लूँगा, फेस सेलेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, सेलेक्ट करो उसको सबको, ऑल्ट के साथ डी सेलेक्ट, ऑलमोस्ट हो गया। अब ये सेलेक्ट करने के बाद ना मैं इसमें मारूंगा प्लेनर मैपिंग। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस कुछ नहीं करा मैंने, सीम बनाए ऊपर। ठीक है यार, ये तो पूरा डी सेलेक्ट हो जाता है बार बार। इसको डीसलेक्ट कर लो इस तरीके से, ऑल्ट शिफ्ट के साथ भी आप इसको डीसलेक्ट कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है,
डन, सेलेक्ट किया, ये तो चाहिए ही नहीं अपने को, ये साइड के, ये कुछ नहीं चाहिए। इनको डीसेलेक्ट करो सबको, ठीक है। कर्सर डिसलेक्ट, अब इसको हम मारेंगे प्लेनर, तो अनरैपिंग में क्या है, अनरैपिंग है पेशेंस का काम, ठीक है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा तब जाके मॉडल अनरैप हो पाएगा, ये तो कुछ नहीं है, ऐसे बड़े बड़े मॉडल अनरैप करने पड़ते हैं। हो गया, मेक श्योर कि देख लेना कुछ रह ना जाए, कुछ रह ना जाए और कुछ एक्स्ट्रा सेलेक्ट ना हो जाए। जहां जहां सीम बनाई है वहां वहां तक सिलेक्शन करना है पूरा इसका। ये देखो ये एक्स्ट्रा, अब आप देख लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो सब कुछ है, डन, ठीक है। अब करना है आपको यहाँ से मारना है प्लेनर प्रोजेक्शन, मार दिया जेड एक्सिस से, मार दो, मार दिया। अब ये हो गया सेपरेट आपका, ये फेस हो गया सेपरेट, डन। अब ऐसे ही नीचे वाला करना है आपको, ठीक है। इसको एक सेकेंड, ये जो लेयर थी इसको इसको सिलेक्ट करो एक बार, ये सीम बन गई ना हमारी, कोई नहीं, सिलेक्ट कर लिया इसको, शिफ्ट के साथ देखो, तो यहाँ से अननेसेसरी फेस सेलेक्ट हो जाते हैं, अभी ड्रैग करके सेलेक्ट कर लो फटाफट, फिर एक बार क्रॉस चेक मार लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे एक बार, ऑल्ट के साथ डी सेलेक्ट कर दो जो भी अननेसेसरी फेस सेलेक्ट हुए हैं। देखो सर जैसे ये हुए ना, ये क्या हुआ, डी सेलेक्ट, डी सेलेक्ट, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे,
फिर इसको फोटोशॉप में लेके जाएंगे, टेक्सचर लगाएंगे, देन खत्म। यहाँ से ये वाला और पेंडिंग है बस, ये हो गया सिलेक्ट। अब कुछ अननेसेसरी सीम भी दिख रही होगी, इसको ठीक करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये वाले फेस सिलेक्ट हो गए सारे, ठीक है, डन। मारो प्लेनर प्रोजेक्शन जेड एक्सिस से, खत्म। ये भी हो गया सेपरेट। एक बार दोबारा फेस पर क्लिक कर लेगा ना जब इसको मूव ना हो तो, ठीक है, फिर ये मूव हो जाएगा, मूवेबल हो जाएगा। हाँ, मैंने प्लेनर प्रोजेक्शन मारा, ठीक है, ठीक है। अब ये जो है ये पूरा ये फेस हो गया हमारा सारा। अब इसको आपको क्या करना है, एक सीम बना दो उसमें आप यहाँ पे, ठीक है। अब ये पूरा सिलेक्ट हो रही सीम, यहाँ से इसको डिसलेक्ट करेंगे, कर दे डिसलेक्ट। अब ये देखो पूरी सीम घूम के वापस आ रही है ना, तो सीम तो एक ही चाहिए, तो ये सीम बना दी हमने यहाँ पे। नाउ ये एन सी डन। अब हम इसको करेंगे कन्वर्ट टू सीम्स, आप यहाँ पे आ जाओ, सिलेक्शन कन्वर्ट टू सीम, हो गया। अब इसको सिलेक्ट करना है, कट तो चुका ये, सिलेक्ट करके आप इसको कर दो यहाँ से पिल स्टार्ट पेल्ट कर दो, खुल गया, स्टार्ट रिलैक्स, ठीक है, ये खुल गया। देखो अब इसको रोटेट करो इस तरीके से, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर अनरैप हो चुका है, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लेकिन ये ना, अब मैं इसको जब सबको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको अरेंज एलिमेंट करता हूँ, नाउ यू कैन सी ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टेक्सचर लगाता हूँ, यहाँ पे आप देखो कोई भी पिक टेक्सचर, देख रहे हो सब ठीक आ रहा है, ऊपर तो बढ़िया आ रहा है, यहाँ पे ना ये भी सही आ रहा है, लेकिन सीम जहाँ सीम लाइन बनी हुई है वहाँ पे देखो आप ये थोड़े रोटेट होके ख़राब सा हो रहा है ना, क्योंकि ये यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव टेक्सचर कर दो, रीसेट टेक्सचर कर दो। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो फेस है हमारा, ठीक है, हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। एक तो पहले सबसे पहले जाओ टूल में जाओ, इसको रिलैक्स करो, वो मैंने पहले ही कर दिया, वो शॉर्टकट बताया मैंने आपको सबसे ईजी, जो मतलब सीम बनाया यहाँ पे आया, इसको बोलते हैं पिल पेल्ट मैप, इसको पेल्ट मैप क्या है, इसमें रिलैक्स भी जाता है और पिल भी कर देता है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं रिलैक्स करता हूँ, रिलैक्स बाय पॉलीगन एंगल, अमाउंट रखूँगा 1, देन अप्लाई, हो गया ऑलमोस्ट। तो ये ज़्यादा नहीं, इतना रिलैक्स होगा और ख़राब हो गया। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारा, पहले तो इसको दोबारा से पेल्ट कर सकते हो आप, स्टार्ट पेल्ट, खुलने दो उसको, जब अच्छे से खुल जाए अब स्टार्ट रिलैक्स, इससे पहले तो बढ़िया ही पहले ही हो गया था। तो एक तो ये प्रोसीजर है ओपन करने का, इसको स्टार्ट पेल्ट करा, सिमुलेशन सैंपल रखने के लिए से ज़्यादा साथ स्टार्ट पेल्ट, स्टार्ट रिलैक्स, ठीक है। और इसको ना ऐसे करने के बाद फिर इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके भी आप इसको रिलैक्स कर सकते हो,
ये देखो, ठीक है ठीक है। एक तो ये तरीका है, ठीक है, और एक तरीका ये है, तो फेस सेलेक्ट किया, मैपिंग पाया, सीधा अनफोल्ड कर दिया। यहाँ पे अनफोल्ड कर दो तो खुल गया, पूरा ख़राब हो गया। एक ये तरीका है, और एक यहाँ पे हमारा क्विक पिल। ये क्विक पिल फटाफट जो मतलब आता रिजल्ट पेल्ट वेल्ट होने के बाद इस तरीके से आता है, तो ये आप क्विक पिल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोसीजर हो गया एक तो हमारा, इसको रोटेट करो। एक तो मैंने बताया आपको पेल्ट मैपिंग यूज़ कर सकते हो, जैसे छोटे मोटे फेस पकड़ के उसको रिलैक्स कर देना है, साथ में पेल्ट कर देना है तो खुल देगा ये। और एक ये हमारा होता है क्विक पिल, आप इसको क्विक पिल भी कर सकते हो, यहाँ से इसको रीसेट पिल भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी भी मेरा जो है, जो अभी मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला है, अभी भी जो है जो चेकर है वो राउंडेड मतलब ऐसे उसके एंगल चेंज आएगा। अब मेरे पास क्या है कि मैं इसको एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको रीशेप एलिमेंट दिख रहा होगा। रीशेप एलिमेंट में क्या करना है आपको, यहाँ से ये दिख रहा है आपको स्ट्रेटन सिलेक्शन, इस पर क्लिक करना है, आपके यू भी एकदम स्ट्रेट हो गए, डन। अब आप इनको सेलेक्ट करके एक बार अरेंज एलिमेंट कर दो, डन। अब आप एक यहाँ पर चेक एंड पैटर्न अप्लाई करके देखो, एकदम परफेक्ट आ गया, देखो आ गया ना एकदम परफेक्ट, हाँ डन। अब करने वाला हूँ मैं इसको, अब इनको टूल में जाऊँगा, रेंडर यूबी टेम्पलेट में जाऊँगा, रेंडर यूबी टेम्पलेट में जाके इसको सेव कर लूँगा मैं यहाँ पे। बैरल के नाम से, ठीक है, कर लिया। अब ओपन कर लो फोटोशॉप। एक साइट बता रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट साइट है, पॉली हेवन साइट है, वहाँ से आप टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हो अच्छे अच्छे यहाँ पे आ जाओ आप टेक्सचर्स में, ठीक है। बैरल टेक्सचर, ये कहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे वो टेक्सचर लगाएंगे हम, या तो हमने एक टेक्सचर डाउनलोड किया था वहीं पे आ जाओ आप मैक्स वाली फाइल में, ये वाला इसी को लगा लेते हैं, बाकी आप टेक्सचर लगा अपने अकॉर्डिंग निकाल के लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे एक परफेक्शन आएगा इसमें अगर मैं इसको लेता हूँ, क्योंकि इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, आपने पहले तो ये डिसाइड कर लेना कि इसकी जो डेप्थ, इसका जो आयरन वाला शेप है वो कहाँ कहाँ तक है। यूवी एडिटर ओपन कर लेना, यहाँ से आपको पता लग जाएगा, देखो ये एंड कहाँ तक जा रहा है, ये देख रहे हो ये शेप है, तो यहाँ देखिए यहाँ तक जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे कंफर्मेशन मिल जाता है बेसिकली। यहाँ पे आओ आप टेक्सचर्स पे, सो आई वांट वुड टेक्सचर, वुड टेक्सचर में आ जाओ, वुड टेक्सचर ले लो यहाँ से, लेट्स से मैंने ये टेक्सचर ले लिया, ठीक है डाउन कर लिया। एक और टेक्सचर लेते हैं मेटल का, एक मेटल का टेक्सचर चाहिए आपको, तो मेटल में आ जाओ आप यहाँ से, वी वांट मेटल टेक्सचर, मैन मेड मेटल, इसको तो लग ही आ रहे हैं, ये वाला ले लेते हैं चलो, ठीक है जंक वाला थोड़ा सा। अब इनको क्या करेंगे, अब इनको एक्सट्रैक्ट करके इनको यूज करने वाले हैं हम अपने अनरैपिंग में। ठीक है, आ जाओ इसको डाउन करके, जो डाउन करिए फाइल वुड का पहले एक कर लेते हैं, एक मिनट ये भी होने वाला है, डाउनलोड कर लिया, डन। यहाँ पे आ जाओ, दोनों को कट कर लो, ट
टेक्सचर्स। एक्सट्रैक्ट कर लो फाइल। सो ये रहा वुड का, यहाँ पे आओ वुड, वुड वाले मटेरियल पे अनरैपिंग में आ जाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, डिफ्यूज का ले रहा हूँ मैं, ठीक है आ गया। इसको रखो यहाँ पे। अब ये देखो ये जो शेप आ रही है ये कितना दूर है यहाँ से, इतना है ठीक है, मतलब यहाँ तक चाहिए होगा, मतलब यहाँ तक हमें चाहिए होगा टेक्सचर, ये यहाँ तक राइट है ना, तो यहाँ तक रख लो, इसको स्केल कर लो हल्का सा नीचे तक, यहाँ तक एटलीस्ट ठीक है, डन। डुप्लीकेट डुप्लीकेट, इन तीनों को सेलेक्ट करो, डुप्लीकेट। अभी कहाँ तक रखना है, यहाँ तक रखना है एटलीस्ट, ऊपर से कितना रखना है, ये जाएगा यहाँ तक एटलीस्ट है ना, डन। वुड का टेक्सचर सेट हो गया, एक वुड का टेक्सचर आप यहाँ लगा दो, दोनों में सेम, थोड़ा नेक्स्ट टाइम जब आप लेके आओ ना थोड़ा ऊपर कर लेना सेपरेट, क्योंकि वो देखो अटैच हो रहा है उसमें ना। अब मेटल का लेके आते हैं, रस्टी मटेरियल हमारे पास, या आपको कुछ अलग चाहिए आयरन टाइप का मटेरियल डाल दो, आयरन टेक्सचर, लेट्स से डाउनलोड दिस वन, कॉपी कर लो उसको, कॉपी इमेज, लेकिन आप कॉपी करके मत लाना क्वालिटी खराब हो जाएगी। इन सबको कर लो मर्ज, कर लिया। इसको यहां ले आओ, ठीक है डन हो गया, इसको काट दो इतना, डन हो गया। अब हम इसको सेव करेंगे एज अ जेपीजी, कंट्रोल शिफ्ट एस या ऑल्ट एफ करके एक्सपोर्ट कर दो उसको, बैरल जेपीजी में, कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहां पे डन एम प्रेस करना है, रेंडर में जाके, रेंडर सेटअप में जाके यहाँ से कर लो वीरे, राइट क्लिक मटेरियल वीरे, यहाँ पे ले लो आप वीरे मटेरियल, डन। वीरे मटेरियल लेने के बाद लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप द टेक्सचर ऑफ बैरल, देन इसको लिंक कर दो डिफ्यूज में, कर दिया, सेलेक्ट करो, मेक श्योर योर बैरल मस्ट बी सिलेक्टेड, देन असाइन, नाउ यू कैन सी परफेक्टली हमारा जो टेक्सचर है वो हो चुका है, सी देख रहे हो आप, ठीक है। एंगल स्नैपिंग 90, स्नैप ठीक है, तो यहां पे हमारा बैरल जो है अनरैप हो चुके हैं।
मल्टीपल कॉपी लगा के सेव कर सकते हो ना, फिर रेंडर निकालने में अच्छा लगेगा ना ऐसे। ठीक है ये देखो हो गया वायरल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।